डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 7 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम आर डिफरेंस ऑफ एंगल्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बीएस एक्यूएस रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कंप्लीट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. नीचे जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देनी है. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द इंटरवल इन विच द वैल्यूज ऑफ 5 cos x + 3 cos x + x + 5/3 + 3 लाई. देखिए इस क्वेश्चन में हमको वो इंटरवल लिखना है जिसमें इसकी वैल्यू लाई कर, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखना है. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये x में है. पहले मैं इसको f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ. Let f of x is equal to 5 cos x plus 3 cos x plus 5/3 plus 3. अब देखो ये 5 cos x और ये 3 cos x plus 5/3, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल x 5/3. तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो एंगल रहता है वो एक जैसा होना चाहिए. x एंगल इसको बनाना है तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं cos a plus b के फॉर्मूले से. cos a plus b का फॉर्मूला cos a cos b minus sin a sin b का यूज कर लेता हूँ मैं. तो ये हो जाएगा आपका ये 5 cos x as it is plus 3 और cos a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos x cos 5/3 minus sin a तो sin x into sin b तो b के प्लेस पे 5/3 और प्लस 3. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ये 5 cos x प्लस 3 cos x cos 5/3 या cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस sin x इंटू sin 5/3 या sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ये प्लस 3. ये ब्रैकेट खोल देते हैं, इसमें 3 का इंटू कर दो तो विच इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3 हो जाएगा 3√3/2 sin x प्लस 3. अभी इन दोनों में से cos x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस 3/2 और ये cos x कॉमन माइनस 3√3/2 sin x और प्लस 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ तो 5 × 2 = 10 + 3 = 13/2. ये हो गया 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x और प्लस 3. ये आ गया आपका a cos x plus b sin x plus c के फॉर्म. इसको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ मैं, a sin x plus b cos x plus c. तो माइनस 3√3/2 sin x को पहले लिख दिए प्लस 13/2 cos x और प्लस 3. ये मैंने इसको a sin x plus b cos x plus c के फॉर्म में लिखा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा. अब a sin x plus b cos x plus c की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने पास में है. a sin x plus b cos x plus c की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है, उसका मैं यूज कर लेता हूँ. सेंस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. आप इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी आपका इसके इक्वल है. इसको हमने एफ ऑफ एक्स लिए तो इसको एफ ऑफ एक्स रख देते हैं. ए के प्लेस पे माइनस 3√3/2, बी के प्लेस पे 13/2 और सी के प्लेस पे 3 रख देते हैं. तो विच एम्प्लाइज ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, ए है आपका माइनस 3√3/2 स्क्वायर प्लस बी है आपका 13/2 होल स्क्वायर कर दो और प्लस सी है आपका 3. इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी को एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं मैं.
एस लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ भी यही वाली सेम वैल्यू रख दो, क्या माइनस थ्री अंडर रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये थर्टीन अपॉन टू स्क्वेयर और प्लस सी की वैल्यू है थ्री, ये वैल्यू रख दी हमने, इसको सॉल्व करते हैं। एच एम्प्लाइज ये माइनस साइन है, माइनस स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर नाइन और रूट थ्री स्क्वेयर थ्री, नाइन थ्री जा 27 अपॉन टू स्क्वेयर फोर प्लस थर्टीन स्क्वेयर 169, टू स्क्वेयर फोर प्लस थ्री इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, ये अंडर रूट माइनस स्क्वेयर प्लस थ्री रूट थ्री का स्क्वेयर करेंगे तो 27 और टू स्क्वेयर फोर प्लस थर्टीन स्क्वेयर 169 अपॉन टू स्क्वेयर फोर और प्लस थ्री। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा 4, ये 27 प्लस 169 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लो अंडर रूट के अंदर 4, ये 27 प्लस 169 और प्लस 3, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 169 में 27 प्लस करेंगे 9 प्लस 7 16 वन बचा 6 टू 8 वन 9 196 अपॉन 4 प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट 196 अपॉन 4 हो जाएगा ये और प्लस 3। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, माइनस 196 का स्क्वायर रूट 14 4 का 2 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 196 का अंडर रूट 14 अपॉन 4 का 2 और ये प्लस 3, ये 2 से कैंसिल कर लो इसको, 27 जा 14 इधर भी आपका 27 जा 14, बची वाली क्वांटिटी को लिखते हैं विच एम्प्लाइज माइनस 7 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये 7 प्लस लेस देन आर इक्वल टू 7 प्लस 3, क्या हो जाएगा ये विच एम्प्लाइज माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स और 7 प्लस 3 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 10, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 4 और मैक्सिमम वैल्यू 10, माइनस 4 भी है, माइनस 4 से बड़ी क्वांटिटी 10 भी है और 10 से छोटी क्वांटिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देयर फोर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल के फॉर्म में लिखना अपने को क्लोज्ड इंटरवल माइनस 4 टू 10, ये मैंने क्लोज्ड इंटरवल माइनस 4 कॉमा 10 लिख दिया, इसमें माइनस 4 भी है और 10 भी है, माइनस 4 से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू, तो इस इंटरवल के अंदर आपके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी क्लोज्ड इंटरवल माइनस 4 कॉमा 10, ऐसे आप उसका इंटरवल लिख सकते हैं जिस इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ tan a plus b is equal to p and tan a minus b is equal to q then write the value of tan 2b, देखिए tan a plus b और tan a minus b की वैल्यू दी गिवन है, तो हमको tan 2b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट tan 2b की वैल्यू लिख लेते हैं, tan 2b is equal to tan b plus b लिख सकते हैं हम 2b, देखिए b plus b करेंगे तो 2b हो जाएगा, अब अपने पास में tan a plus b और tan a minus b की वैल्यू है तो अपने को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यहाँ b प्लस बी है तो इसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख लेता हूँ, a को प्लस कर लेता हूँ और a को माइनस कर लेता हूँ, तो विच इज इक्वल टू tan a प्लस बी और माइनस a प्लस बी, देखिए मैंने क्या किया a को प्लस किया और a को माइनस किया, माइनस a प्लस a कैंसिल होकर वापस आपका b प्लस बी कट जाएगा, अब ये a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते तो a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा, tan ये a प्लस बी को एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते तो ये a माइनस बी हो जाएगा, अब देखिए अगर हम इसको a कंसीडर कर ले इसको b कंसीडर कर ले तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर हम tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू रखते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, f cos x minus y upon cos x plus y is equal to m upon n then write the value of tan x into tan y,
देखिए कंडीशन दी हुई है हमको, तो टेन एक्स इंटू टेन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं कंडीशन को ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करके हम टेन एक्स इंटू टेन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कंडीशन है कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एम। अब यहाँ देखिए ये कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो विच एम्प्लाइज कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अब देखिए हमको टेन एक्स टेन वाई की वैल्यू चाहिए, तो टेन एक्स टेन वाई के लिए इसको कॉस एक्स वाई से डिवाइड कर देते, ये वन हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, तो इससे टेन एक्स टेन वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करते रहे हम, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये टेन एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज यहाँ देखिए कॉस एक्स कॉस वाई को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर वन हो जाएगा, प्लस ये साइन एक्स साइन वाई को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, तो इसको टेन एक्स इंटू टेन वाई लिख दिए हमने, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होगा तो वन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और कॉस साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, तो माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई ऐसा हो गया, इज इक्वल टू एम अपॉन एन। निकालना हमको टेन एक्स इंटू टेन वाई की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, एन का इधर कर दो और एम का इधर कर दो, ये हो जाएगा एन प्लस एन टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू एम माइनस एम टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये टेन एक्स टेन वाई वाली टर्म को इधर शिफ्ट करके ले आते हैं और ये एन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन टेन एक्स टेन वाई इधर ही है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एम टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू एम आपका इसी साइड में और प्लस एन को इधर लाएंगे तो माइनस है, यहाँ से टेन एक्स टेन वाई कॉमन निकाल लेते तो ये एन प्लस एम बचेगा, कॉमन आ गया टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू एम माइनस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, एन प्लस एम को एम प्लस एन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, बस यही आपकी टेन एक्स इंटू टेन वाई की वैल्यू हो गई एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, ये हमारा आंसर है। ऐसे आप टेन एक्स इंटू टेन वाई की वैल्यू निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज इक्वल टू बी कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू सी कॉस 4 पाई बाई 3 देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए कंडीशन दी हुई है हमको और हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालना, तो मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर लेता हूँ और इस कंडीशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ रखते हैं, तो कंडीशन ले लेता हूँ मैं इसके लिए, ए इज इक्वल टू बी कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू सी इंटू कॉस 4 पाई बाई 3, ये कंडीशन दी हुई है, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी कॉस 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 3 एलसीएम ले लेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी इंटू कॉस 4 पाई बाई 3 को पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 3 एलसीएम ले लेंगे 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ये बी कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ कर देता हूँ और 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस कॉस पाई बाई 3 माइनस बी कॉस पाई बाई 3 हो गए, ऐसी कल्टियो ये सी है कॉस 180 प्लस पाई बाई 3,
180 प्लस 5 बाई 3 मीन्स 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, ये कॉस है तो पहले माइनस लगा दो, यहाँ माइनस कर देता हूँ, और 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस तो कॉस 5 बाई 3 माइनस सी कॉस 5 बाई 3 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस बी, और कॉस 5 बाई 3 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू माइनस सी इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन टू, ऐसा आ गया। तो देखिए ए की वैल्यू तो अपने पास में ये वाली हो गई, इन दोनों को ले लेते हैं तो ए की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू, और इन दोनों को ले लेते हैं तो टू से टू कैंसिल, सी की सी माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल, सी इज इक्वल टू बी और बी को वैसे ही रहने देंगे, और ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। देयरफोर ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू एंड सी इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और बी को बीच रहने दो, बी के प्लेस पे बीच रहने देंगे। तो हमने यहाँ से दो वैल्यू निकाल लिए, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, अब हम ये ले लेते हैं, इसमें ए की और सी की वैल्यू रख देते हैं और बी को एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू है माइनस बी अपॉन टू इंटू बी ऐसी रहने दो, प्लस बी ऐसी रहने दो, इंटू सी की वैल्यू बी है, सी इज इक्वल टू बी है, और प्लस सी ए, सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू है माइनस बी अपॉन टू, ये माइनस बी अपॉन टू, इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, देखिए ये आधा बी स्क्वायर अपॉन टू और ये आधा बी स्क्वायर, ये आधा बी स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर और हाफ बी स्क्वायर, फुल बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों को, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, हाफ बी स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव बी स्क्वायर और पॉजिटिव बी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, ये हमारा जीरो आ गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द आंसर। ऐसे आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी देन राइट द वैल्यू ऑफ टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। देखिए एक कंडीशन दी हुई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो हमको टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसी कंडीशन को ले लेता हूँ और दोनों साइड का अपन टेन ले लेंगे, तो ये अपने आप हमारी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, दोनों साइड का टेन ले लो, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, और टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी, दोनों साइड का टेन ले सकते हैं अपन। अब यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन सी, ये डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो विच एम्प्लाइज टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू टेन सी का इंटू कर रहे हैं, तो ये टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर लो और इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, तो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू टेन सी आपका इधर का इधर ही है, और माइनस टेन ए ले लो और माइनस टेन बी कर दो इधर ले जाके, माइनस टेन ए माइनस टेन बी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इज इक्वल टू टेन सी माइनस टेन ए माइनस टेन बी, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी देन राइट द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए दो कंडीशन दी हुई है, हमको कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो पहले मैं दोनों कंडीशन को लिख लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, एंड सेकेंड कंडीशन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। अब अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर
ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे तो अपने आप कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और उसको शिफ्ट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों साइड का मैं स्क्वेयर करके ऐड कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो। ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू ए बी, तो टू साइन अल्फा साइन बीटा सेकेंड वाले ब्रैकेट को ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करें। अब देखो इसको, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन, इनको तो वन वन लिख लो, ये वन हो गया और वन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन। इसको देखो माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस टू साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा में से टू कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, प्लस टू, तो पहले प्लस वाली टर्म को लिख लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ बचेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये टू कॉमन निकाल ली हमने और राइट हैंड साइड एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया विच एम्प्लाई वन प्लस वन टू प्लस ये टू। और इसको देखो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए के प्लेस पे अल्फा है और बी के प्लेस पे बीटा है, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टू को उधर शिफ्ट कर लो तो टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, और टू से इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस टू का इधर, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। ऐसे आप कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। इफ tan अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टू रेस टू द पावर माइनस एक्स एंड tan बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टू रेस टू द पावर एक्स प्लस वन, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा लाइंग इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई टू। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है और अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि टैन अल्फा प्लस बीटा या टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट टैन अल्फा और टैन बीटा की वैल्यू हमको गिवन है, ये वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर रख के अपन सॉल्व करेंगे तो अपने आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होना चाहिए और 90 से छोटी होना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं, सिंस tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए और बी के प्लेस पे अल्फा और बीटा ले लिया मैंने, यहाँ tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन वन माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फॉर्मूला रख दिया मैंने। अब हमको tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं। tan अल्फा की वैल्यू है वन अपॉन 1 प्लस टू रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस टेन बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस टू रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन अल्फा की वैल्यू यही वाली रख दो 1 अपॉन 1 प्लस टू रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू टेन बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस टू रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, वैल्यू आराम से रखेंगे। अब देखिए इसके न्यूमरेटर में 1 प्लस टू रेस टू द पावर माइनस एक्स और 1 प्लस टू रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 है, और इसके भी डिनोमिनेटर में ये दोनों जगह एलसीएम ले लेते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम आ जाएगा
न्यूमरेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स एक ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 का इस 1 में इंटू करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 रेस टू माइनस एक्स का 1 में इंटू करते हैं तो 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स। ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, ये दोनों फैक्टर आपके एलसीएम आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पर अब 1 है, 1 के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करें तो पूरा आएगा, इसका इंटू 1 में कर देते हैं ये हो जाएगा, दोनों फैक्टर लिख दो, 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा दो माइनस, और ये दोनों फैक्टर से डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटू माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1, ऐसा आ गया। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों डबल फ्रैक्शन, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। अब जो बचा उसको लिख लो, न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 रेस टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस x, डिनोमिनेटर में देखो ये दोनों फैक्टर हैं और ये माइनस है, तो ये दोनों ब्रैकेट को खोल देता हूं मैं, 1 का इंटू कर लेंगे तो 1 प्लस 2 रेस टू द पावर x प्लस 1, 2 की पावर माइनस x, ये 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स का पूरे ब्रैकेट में इंटू करते हैं, 1 में करेंगे तो प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटू करना है 2 रेस टू एक्स प्लस 1 में, 2 की पावर माइनस एक्स का इंटू करेंगे, दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 को मैं 2 लिख देता हूँ, और ये माइनस 1 एज इट इज माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रेस टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर में ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल्ड, क्या बच गया आप, अब डिनोमिनेटर बच गया आपका ये वाला प्लस 2 बच गया, प्लस 2 को पहले लिख लेता हूँ, प्लस 2 प्लस 2 रेस टू द पावर x प्लस 1 2 रेस टू द पावर x प्लस 1, और एक टर्म और बची 2 रेस टू द पावर माइनस x 2 रेस टू द पावर माइनस। अब देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया आपका, और इधर हमारा ये चल रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इधर 1 बचा, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है, तो ये 1 टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की होती है, तो इसको हम टेन अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहने दो, और ये 1 को लिख लेते हैं टेन 45 या टेन पाई बाई 4। अब ये tan से tan को एडजस्ट कर लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, और देखो ये जो पाई बाई 4 आया ये आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, इससे ये बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है ये पाई बाई 4, तो ऐसे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ऐसे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी है पाई बाई 4। इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कम्प्लीटली डन एंड दिस चैप्टर हैज ऑल्सो डन, तो चैप्टर नंबर 7 अपना पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं, और क्वेश्चन को हम इजिएस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अब नया चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, तो नया चैप्टर हम नई क्लास से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर इसी के बाद का होगा 8 नंबर का चैप्टर, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, सो इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन न्यू क्लास, ओके।